क्या आपको पता है कि क्यों हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर? ऐसा क्यों होता है? नहीं पता, कोई नहीं, आज हम जानेंगे कि ऐसा क्यों है, क्यों हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, अब ये क्या है हमारे पास? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स जिसमें एक एंगल अगर 90 डिग्री हो तो वो कौन सा ट्राइंगल कहलाता है? राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, अब इस 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड, ये जो साइड है ये क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड होती है, और इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूज। तो हमने माना कि हाइपोटेन्यूज क्या है? सी है। देखिए आप परपेंडिकुलर यहाँ पे बना रहे हैं ना, परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर साइड क्या है? ए स्क्वायर। ओके, और बेस कितना हमने लिया? बी स्क्वायर। सो अब हम प्रूफ करेंगे कि क्यों सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी। ओके, उस पर एक मैंने ना एक पॉइंट ले लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया ए, और यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक हो गया ये बी। ओके, अब मैं बनाऊँगी पूरा एक स्क्वायर, और उसमें भी बाकी जो थ्री साइड्स हैं उसमें भी हम सेम डिवीजन करेंगे ए और बी की, और सेम लेंगे, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं? सारी साइड्स की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। ओके, सो हम अब बनाएंगे एक स्क्वायर। ओके, अब हमने इतना बी लिया था, यहाँ पे भी हम जो है इतना ही जो है हम यहाँ पे बी मार्क कर लेंगे। ओके, यहाँ पे भी इतना ही बी जो है हम जो है मार्क कर लेंगे, और यहाँ पे भी हम जो है इतना ही बी जो है मार्क कर लेंगे। ये हो गया बी बी, ये हो गया ए ए, ये हो गया ए, और ये हो गया बी। ओके, अब जो हमने मार्क किए हैं पॉइंट्स, इनको हम क्या कर लेंगे? ज्वाइन कर लेंगे। ओके, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, और इसको इससे ज्वाइन किया। ओके, हमने ज्वाइन कर लिया, अब हमारे पास क्या बन गया? एक स्क्वायर बन गया, है ना, स्क्वायर बन गया। अब इसकी जो साइड है उसकी लेंथ को हम ले लेते हैं सी 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 एंड सी। ओके, अब ये हमारे पास क्या आ गए? ट्रायंगल्स आ गए, है ना, फोर ट्रायंगल, 1, 2, 3 एंड 4, जिसमें हर एक ट्रायंगल में अगर हम देखें तो बी बेस है, ए क्या है? हाइट है। 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 ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं? एरिया निकालते हैं आउटर स्क्वायर, मींस जो हमने सबसे पहले स्क्वायर बनाया था ना उसका एरिया निकालते हैं। तो उसको हम टू वेज से निकाल सकते हैं। पहले कि जो बिगर स्क्वायर है, आउटर जो स्क्वायर है, इसके जो साइड है वो क्या है? ए, यहाँ से लेंगे यहाँ तक ए था, ये बी था, तो टोटल क्या हो गया? ए प्लस बी। सो एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर हम अगर निकालें, सो वो क्या हो गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी। ओके, अब हम सेकेंड वे से निकालते हैं एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर। सेकेंड वे क्या है कि ये जो स्क्वायर है इसका एरिया क्या होगा? इसकी साइड की लेंथ क्या है? सी है, तो सी का होल स्क्वायर हो गया, है ना, प्लस अगर हम इन फोर ट्रायंगल्स का एरिया अगर ऐड कर दें तो पूरा हमारा आउटर स्क्वायर का एरिया आ जाएगा, है ना। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। सो हाफ, बेस क्या है हमारे पास? बी। हाइट क्या है? ए। सो हम लिख सकते हैं हाफ ए बी, है ना। सो और कितने ट्राइंगल्स हैं? फोर। सो फोर इंटू हाफ ए बी, सो ये हमारा आ गया फोर ट्राइंगल्स का एरिया। ओके, अब टू और फोर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। टू और फोर दोनों किसके टेबल में आते हैं? टू की टेबल में। टू वन जेड टू और टू टू इज़ द फोर, सो ये हो गया सी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब ये दोनों जो एरिया है ये किसके हैं? दोनों एरिया किसके हैं? एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर है। तो क्या हम ए प्लस बी होल स्क्वायर इसके इक्वल लिख सकते हैं?
है ना। सो अब हम लिखते हैं सी स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हम a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे। ये तो हो गया सी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये क्या हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस टू ए बी। ओके, अब इधर भी टू ए बी है, इधर भी टू ए बी है, दोनों क्या हो गए कैंसिल, या फिर अगर ये प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तब भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। सो अगर हम अगर ये ट्राइंगल देखें तो ये c क्या है हाइपोटेन्यूज है ना, a क्या है परपेंडिकुलर और b क्या है बेस। तो c का होल स्क्वायर मीन्स हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर के होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। और ये हमारी क्या है पाइथागोरस थ्योरम। सो इसलिए पाइथागोरस थ्योरम में एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो किसकी इक्वल होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। ओके, होप यू लाइक माय वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।